और उनको वहाँ लगाया था वेकेंट या जीरो सर्विस है, जैसलमेर बाड़मेर जहाँ भी जीरो सर्विस थी, वो तो निश्चित रूप से उसमें दो तीन डॉक्टर उनके भी लाके तो जिनकी डिजायर है उनको पहले रजिस्ट कर दिया, दो बजे लिस्ट दी और लिस्ट आज हमने सर सामने करो सामने सर सामने जो लिस्ट दी इन्होंने कल दो बजे हमको दी थी उसको अप्रूव करके आज निकाल दी। वो हमारे पीजी करके जो 315 डॉक्टर आए थे उनको हमने वहाँ पोस्टिंग दी है जहाँ पर बिल्कुल जीरो सर्विस थी, वैकेंट जगह थी, 100% वैकेंट जगह पर दिया। उसमें एक दो डॉक्टर इनके थे उनको हमने वापस एडजस्ट किया, उन्होंने कहा कि हमारे जयपुर वैकेंट इनके सेटेलाइट कर दिया, कोई इश्यू नहीं। ट्रांसफर को लेकर आमतौर पर हमारे एमएलए खुद एमएलए जो कहेगा कॉन्स्टिट्यूंसी में उसी पॉलिसी पे ट्रांसफर करते हैं, जो एमएलए कहेगा उसी डॉक्टर्स का जीएनएम एनएम का तय कर दी हमने पॉलिसी, एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी उसने कहनी सीखी। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, किसी को कोई टारगेट नहीं किया जा रहा है इनके, बाकी तो इनके तीन चार डॉक्टर सारे हिंदू ही, इनकी लिस्ट सारे हिंदू ही है सर। ऐसे भी कह रहे कि मुस्लिमों को टारगेट करके चारों को कुछ भी कह दी, वो केवल चार ही मुस्लिम नहीं उनको बाहर वो पीजी करके आए, पीजी वालों ने जो पॉलिसी बनाई है हमने वो बाहर करने की बनाई, वापस क्यों ले लिया अपने वापस उनके सेटेलाइट हॉस्पिटल पोस्ट पे आ गई, उसकी जानकारी पहले विभाग को नहीं थी, वहाँ सेटेलाइट पर लगा रिक्त पदों पे तो लगा ही नहीं है। अब जयपुर में जो सरप्लस हुए हैं या पीजी करके जो आए हैं जिनका पीजी का हमारा कायदा है, दो साल उनको बाहर सर्विस करनी सरकार जहां भी उनको देगी, दो साल तो हमारे जो बाड़मेर था, जोधपुर था, जालोर था, भीलवाड़ा था, जहाँ जीरो सर्विस थी कई सीएससी की, वहाँ हमने उनको सबको पोस्ट किया। हमने पहले डेप्यूटेशन तो नो डेप्यूटेशन नो सरप्लस सर आप पॉलिसी की बात कर रहे हैं लेकिन जिस प्रकार का उन्होंने आरोप लगाया कि मुस्लिमों का टारगेट किया जा रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? मुस्लिम हिंदू सब उनकी लिस्ट में है, हिंदू भी उनकी लिस्ट में मुस्लिमों से ज्यादा है, मुस्लिम तीन हो गए तो हिंदू दस हो गए उनकी लिस्ट में, गलत बात है, किसी की नाराजगी हो सकती है थोड़ी बहुत, पर कल दो बजे लिस्ट दी आज निकाल दी, नाराजगी किस बात की? क्या गलती माने, किसकी गलती माने, क्योंकि एमएलए को यहाँ तक आना पड़ा, कार्यकर्ताओं ने दबाया होगा एमएलए को, भाई तेरे ट्रांसफर क्यों नहीं हुए, तेरे बाहर क्यों हो गए, तो पीजी वाले सब बाहर हुए, 100% बाहर हुए, सबको बाहर किया हमने, जब एक भी नहीं लगाया। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।